चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेज, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी मूल रोड चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। पूर्व वायु सैनिक कल्याण संगठन नागपुर और अमर जवान स्मारक समिति की ओर से दिनांक 4 दिसंबर 2023 को अमर जवान स्मारक अजनी चौक नागपुर में सुबह 9 बजे भारतीय नौसेना दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना के ऑपरेशन टाइंड्रेट के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रसारण के जो मित्र आए हुए यहाँ पे, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को 52वें नौसेना दिन के लिए शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि इवान ने तीनों सर्विस के लोगों को यहाँ पे मिलके नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये नेवी डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी बहनों, माताओं, वरिष्ठ लोगों को और मेरे भाइयों को। यहाँ पे आप इतने बड़ी तादाद में आए हो आज का नौसेना दिन सेलिब्रेट करने के लिए। आज के दिन 1971 के युद्ध में बड़े डेरिंग और बहुत वीरता और शौर्य दिखा के, जो कोई सोच नहीं था, ऐसी बात की गई कि छोटे छोटे मिसाइल बोट्स को लेके कराची के ऊपर हमला बोल दिया गया, ऑपरेशन ट्राइडेंट उसे कहा था। उसके जरिए पाकिस्तान का जो बैकबोन है वो तोड़ दिया गया, कराची हार्बर तहस नहस किया दिया गया, बहुत युद्धनौपद डुबाए गए, शिप कमर्शियल शिप्स थे उनको भी डुबाया गया, जो तेल था जो उनके पास में गोला बारूद था सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कि उसके बाद में पाकिस्तान को लड़ने का मनोबल बहुत पूरा वीक हो गया और तीनों सेनाओं ने जो कोशिश की थी और पूरे देश ने जो कोशिश की थी कि फाइनली पाकिस्तान को हथियार डालने पड़े। और आज बहुत बड़ी चीज़ है, इस दिन को हमारे आदरणीय पद्म प्रधान जी सिंधुदुर्ग, जो शिवाजी महाराज जिनके एडमिरल कनौजी आंगरे थे, उन्होंने पहला भारतीय नौसेना का स्थापन किया था मॉडर्न युग में। उसके पहले भी हमारी बहुत बड़ी परंपरा रही है नौसेना की। लोथल में जाके हमने ड्राईडॉक बनाया था, जावा, सुमत्रा, मालिया में हमारे जहाज जाते थे। लोग कहते हैं कि हमारे देश में सोने की चिड़िया बस्ती थी, वो सब नौदल के साथ में पॉसिबल हुआ था। ये ऑफ ट्राइडेंट आज के उसके उपलक्ष्य में ये नेवी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है सिंधुदुर्ग में, शिवाजी महाराज को अभिनंदन करते हुए और सभी उन शहीदों को, वीरों को, जिन्होंने अपनी देश के सेवा में अपना जीजान कुर्बान कर दिया। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? बर सिद्धी, अगदी बरोबर। पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वर सिद्धी। वर सिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर। चंद्रपुर में रविवार को रामनगर पुलिस स्टेशन में शिवसेना ठाकरे गुट और शिवसेना शिंदे गुट के पदाधिकारियों के बीच बड़ा विवाद हो गया। ये झड़प में शिंदे गुट की नेता प्रतिमा ठाकुर और ठाकरे गुट के ट्रांसपोर्ट सेना के जिलाध्यक्ष स्वप्निल काशीकर के समर्थकों के बीच हुई। कल रात कॉलेज के छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद दोनों गुट एक दूसरे के बाद
दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ रामनगर थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए एकत्रित हुए थे। इस बार दोनों गुटों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान झगड़ा छुड़ाने गए पुलिसकर्मी मिलिंदर डोटके को भी धक्का लगा। पुलिस ने प्रतिमा ठाकुर और स्वप्निल काशिकर समेत दोनों गुटों के 8 लोगों के खिलाफ 353 का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही दोनों गुटों की शिकायत पर रामनगर पुलिस ने 294, 506 और 323 के तहत मामला दर्ज किया है। दिलचस्प बात यह है कि थाने में शिकायत दर्ज कराने खड़े काशिकर पर भी हमला करने की कोशिश की गई है। चंद्रपुर में राजनीतिक गुंडा प्रवृत्ति दिन ब दिन पनप रही है और पुलिस को अब इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए, अन्यथा भविष्य में कोई बड़ी घटना होगी, ऐसा सवाल उठ रहा है। फिलहाल तो पुलिस ने मामले को शांत रखा, लेकिन एक दिन ये रवैया जरूर बढ़ेगा, इसकी संवेदना जताई जा रही है। सदरचा हा वाद झालेला आहे, याच्यात राजकीय पक्ष किंवा राजकीय वाद कुठलाच नाही। एक गट जो होता तो गेला त्या मुलांना जाब विचारायला, त्या मुलांना बोलवलेलं, दुसरा गट त्या मुलांना का बोलवलं म्हणून त्यांच्याकडे गेला, तिथं त्यांची वादावादी झाली आणि ते वादावादी रिपोर्ट देण्यासाठी पोलीस स्टेशनला आले। पोलीस स्टेशनला आले स्वप्निल काशीकर आली, प्रतिमा ठाकूर अशी ही दोन्ही बाजू होत्या। तर या पोलीस स्टेशनला आल्यावर त्यानंतर अचानक एकाने उठून दुसऱ्याला मारायला धावला, अचानक झालं आणि त्यांना नंतर लगेच बाजूला केलं पोलिसांनी। पण ते बाजूला करताना आमचे जे पोलीसवाले होते दोडके म्हणून, जे आमचं पोलीस अंमलदार होते, त्यांना त्या ठिकाणी धक्काबुक्की झाली, त्यांनी लगेच त्यांना बाजूला केलं। तर त्या संदर्भात शासकीय कामात अडथळा म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्याच पद्धतीने श्रीमती प्रतिमा ठाकूर आणि स्वप्निल काशीकर यांचे परस्परांविरुद्ध जे शिवीगाळ करणे आणि धमकावणे या संदर्भातील गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे। यात परत मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की राजकीय वादावरून हा कुठला गुन्हा नाही। लहान मुलांची जी भांडणं होती, अल्पवयीन मुलांची भांडणं होती, त्यावरून झालेला प्रकार होता। त्यानंतर दोघांचंही त्या ठिकाणी त्यांना समजून चुकलं की हे मुलांचा विषय होता, त्यामुळे तो राजकीय विषय नसल्याचं प्रथमदर्शनी तरी दिसून आलेलं आहे। धन्यवाद। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? ओ आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? बर सिद्धी, अगदी बरोबर। पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी। वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर।